हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मूंग की चक्की बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस होती है। 10 से 15 मिनट में इजीली बन के रेडी हो जाएगी। आप इसको फेस्टिवल्स में बना सकते हैं, घर में ऐसे भी बना के खा सकते हैं। मूंग चक्की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, हेल्दी, टेस्टी भी होती है। इसमें ना ही हम ऑयल, घी, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। ऐसे ही आपके घर में की चीज़ों से इजीली बन जाएगी। तो एक बार आपके घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ही प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मूंग का दाल ले लिया था। इसको ओवरनाइट के लिए मैंने सोक करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसका जो छिलका है उसको 2 से 3 बार धो के निकाल लिया है। तो अब हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। बैटर को ज़्यादा स्मूथ भी नहीं करना है, फिर ज़्यादा दरदरा भी नहीं करना है। इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी है। यहाँ पे मैंने सारी को ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई के साथ 1/2 लीटर दूध ले लिया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो 100 ग्राम के आसपास यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है। आप आपके हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच हम मिल्क मेड का यूज़ करेंगे। तो गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया था। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें दूध को डाल लेंगे। तो 2 चम्मच मिल्क मेड भी डाल लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, आप ज़रूर डालिएगा। तो ना हम इसमें घी यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें तेल यूज़ करेंगे। ऑयल एंड घी ही है। आप इसको इजीली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चक्की बना रहे हैं। मैंने नारियल की चक्की कैसे बनाना है वो भी मेरे चैनल में अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो मूंग से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हलवा भी बनता है, पकोड़े भी बनते हैं। अगर आपने एक बार चक्की ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। तो जो हमने पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने अभी डाल लिया है। तो उसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे। डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो आपको इसको चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये कितना थिक हो चुका है। इसमें काजू, किशमिश, बादाम, आप इसमें अभी कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, ये रेडी हो चुका है। तो अब इसको सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बड़े से प्लेट में ऑयल ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें मूंग के जो हमने जो बनाया है उसको डालेंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फैलाएंगे। इसको अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। तो इसको 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट करने के बाद यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमने देखी यहाँ पे हमने जो मलाई ऐड किया था उसकी वजह से ऊपर जो शाइन है वो कितना प्यारा शाइन आ रहा है। हमने ना ही ऊपर ऑयल ग्रीस किया है, ना ही कुछ किया है। वो जो मलाई का है वो कितना अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल शाइनी शाइनी रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। तो मलाई है तो आप ज़रूर डालिए। तब हम इसको कट करेंगे। आप आपके हिसाब से शेप कर सकते हैं, काजू कतली की शेप कर सकते हैं, डायमंड शेप, स्क्वायर, आप आपके हिसाब से जौन सा भी शेप में इसको काट सकते हैं। आप आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं थोड़े छोटे पीसेस में इसको काट रही हूँ।
तो हम स्क्वायर शेप में काट रहे हैं, आप आपके हिसाब से कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो इसको निकाल लेंगे, देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये निकल जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है और कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ऐसे अब हम साड़ी को निकाल के गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मूंग की जो चक्की है वो बनके रेडी हो चुकी है गाइस। अगर आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाए सबसे पहले आप लोगों को मिले। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।